पढ़े नमाज पढ़ी यानी बोलते हैं। ईद के दिन बच्चे और बड़े जो घर में होते हैं वो ईदगाह जाते हैं और वहां क्या करते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, खुदा का शुक्र अदा किया यानी बोलते हैं जो अल्लाह ताला है उसका शुक्रिया अदा किया। सब लोग गले मिले यानी सब ने एक दूसरे के साथ गले मिले, मुबारकबाद दी। मुन्ना बोला ईद मुबारक, मुन्नी बोली ईद मुबारक यानी बोलते हैं जो मुन्ना था क्या था नाम उस बच्चे का मुन्ना, उसने क्या घर में सबको बोला ईद मुबारक, और जो मुन्नी थी उसने भी घर वालों को क्या बोला ईद मुबारक। अम्मी बोली ईद मुबारक, अब्बा बोला ईद मुबारक यानी बोलते हैं जो मुन्नी थी उसने भी घर में सबको ईद मुबारक दी, और जो अब्बा थे उसने भी सबको घर में ईद मुबारक दी। ईद मुबारक यानी सब लोगों को घर में जो बच्चे छोटे बड़े एक दूसरे को ईद मुबारक देने लगे। दादा दादी ईद मुबारक, नाना नानी ईद मुबारक यानी बोलते हैं दादा दादी को भी ईद मुबारक दी और जो नाना नानी थी उनको भी ईद मुबारक दी। सब बच्चों को ईद मुबारक यानी और सब बच्चों को जो घर में छोटे बड़े सब बच्चे थे उनको भी ईद मुबारक। बानू को भी ईद मुबारक, शानू को भी ईद मुबारक, जी हाँ सबको ईद मुबारक। तो ये आपका क्या था लेसन था, लेसन था। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर इसी लेसन के। ईद के दिन बच्चों ने सुबह सवेरे उठकर क्या क्या काम किए, तो क्या आपने अभी लेसन पढ़ा ईद के दिन बच्चों ने बड़ों को सलाम किया और नाम धोकर नए कपड़े पहने। फिर सवाल नंबर दो, ईद नमाज पढ़ने सब लोग कहाँ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा ईद नमाज पढ़ने सब लोग ईदगाह जाते हैं यानी आपको पता है कि हम सब कहाँ जाते हैं नमाज पढ़ने ईदगाह। सवाल नंबर तीन, ईद के दिन बड़े बच्चों को क्या देते हैं यानी बोलते हैं ईद के दिन जो घर में बड़े होते हैं वो क्या देते हैं। ईद के दिन बड़े बच्चों को ईदी देते हैं यानी ईद के दिन बड़े बच्चों को पैसे देते हैं ईदी देते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन लर्न भी करना लिखना भी और